ये हमारे पास ब्रेजा गाड़ी आई हुई है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो नहीं वर्क कर रहा था और इसमें जो करंट वर्जन डला है 66T0.04.00 है। अब जो नया वर्जन आया हुआ है वो है 66T0.05.00। तो ये नया वर्जन है, हमने इसे पेन ड्राइव पर लगाया है, देख सकते हैं यहाँ पे। हमको जैसे ही पेन ड्राइव पर लगाएंगे वैसे ही ये अपना हमारा एक्टिव हो जाएगा। और इसमें बोल दिया गया है कि पार्किंग में रहे हमारी गाड़ी और गाड़ी ऑन होनी चाहिए, खड़ी रहनी चाहिए। तो ये हमारा, इसे हम करेंगे यस। उसके बाद हमारा ये देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो ये जब हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम फिर इसे चेक करेंगे इसमें एंड्रॉयड ऑटो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने इसका भी म्यूजिक सिस्टम जो था वो अपडेट कर लिया है, पूरा लगभग 20 से 25 मिनट का प्रोसेस रहता है ये अपडेट होने में। तो ये हमने अपडेट कर लिया है और आपको हम दिखा देते हैं नया सॉफ्टवेयर वर्जन जो है यहाँ पे आ रहा है 66T0.05.00। ये हमारा लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट हो गया है। तो इसमें इशू बस ये था कि हमारा एंड्रॉयड ऑटो नहीं कनेक्ट हो रहा था। तो अब हम इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि अब ये कनेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने इधर से अपना ब्लूटूथ ऑन कर लिया है और अपने मोबाइल का भी ब्लूटूथ हमने यहाँ से ऑन कर लिया है। तो किस नाम से अपना मोबाइल है, ये डिवाइस का नाम क्या है? हाँ, तो ये लव के नाम से हमारा आ रहा है, तो इसे हम ऑन करते हैं। इसे हम टच हो गया, ये इसको हम करते कैंसल। नो फोन्स कनेक्टेड, प्लीज कनेक्ट एंड ट्राई अगेन, गुड बाय फॉर नाउ। ओके थैंक यू। तो अब इसे हम पेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पिन आया, हमने यस किया और मोबाइल में भी आया था उसे भी हमने यस कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो को पूछ रहा है, तो हम एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करते हैं और तो यहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट जो आ रही है उसे हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो हमने एक्सेस दे दिया है, मोबाइल पे भी हमारा एंड्रॉयड ऑटो शो होने लगा है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी। हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो अब हमारा एंड्रॉयड ऑटो वर्क करने लगा है। ये हमारा वायरलेस वाला है, जो इससे पहले जो था वो वायरलेस नहीं था, ये वायरलेस सिस्टम है। 66T05 में हमारा जो ये वायरलेस वाला है। तो हमने ये ऑन किया, ये देखिए सॉन्ग भी बजने लगा है। अब कोई भी चीज़ हम सर्च करेंगे वो सारा चीज़ें वर्क करेगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके म्यूजिक सिस्टम में कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे विजिट करिए, नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे विजिट करिए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।